देश में बढ़ते महंगाई के खिलाफ में अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति के बैनर तले रविवार को महिलाओं ने जामाडोबा टाटा हॉस्पिटल के समीप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति के प्रखंड अध्यक्ष रीना पासवान ने बताया कि देश में महंगाई आसमान छू रही है, इसको देखते हुए सरकार को चेतावनी देने के लिए उनका पुतला दहन किया गया। अगर समय रहते सरकार महंगाई को कम नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। मोदी सरकार के पुतला जलाए हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है वो महंगाई को कम से कम कम करें, जो जिस तरह वो कृषि बिल वापस किए हैं उसी तरह महंगाई भी कम करें। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आगे किस तरह करें? मांगे अगर कम पूरी नहीं होती है तो हम लोग इससे भी ज़्यादा ही मैंने संख्या में हम लोग पुतला दहन करेंगे, क्योंकि ये मतलब सरकार दिन पे दिन हम लोग को महंगाई बढ़ाते ही जा रहे हैं और हम लोग जितने भी जनता है इससे महंगाई से परेशान है हम लोग। क्या नाम है जी? मेरा नाम रीना पासवान है और हम जनवादी महिला समिति की प्रखंड सचिव हैं।